गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परिजन कल्याण समिति के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीटीपी में यूनिट फोर्थ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है, फोटोशॉप CS6 में न्यू इमेज कैसे बनाते हैं। तो न्यू इमेज बनाने के लिए सबसे पहले अपने फोटोशॉप ओपन करना रहेगा। तो आप यहाँ से फोटोशॉप CS6 को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको न्यू इमेज बनानी है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना रहेगा, इमेज लेनी रहेगी। अब अपन ने यहाँ पे ओपन तो कर लिया है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज लेंगे। तो इमेज लेने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ओपन। अगर आप ओपन करते हैं तो आपके सिस्टम में जो ऑफलाइन इमेज रहेंगी वो आती हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे ऑफलाइन इमेज ले सकते हैं। ऑफलाइन मतलब जो आपको सिस्टम में सेव होती है। और अगर ऑफलाइन नहीं लेनी, ऑनलाइन आपको कॉपी पेस्ट करना है इमेज को, तो वो भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन ले लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पे ये फायरफॉक्स ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको जो भी इमेज लेनी है आप यहाँ पे वो सर्च कर लें। जैसे यहाँ पे आ रहा है पासपोर्ट साइज फोटो, इस पर क्लिक किया है। आप इमेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इमेजेस, तो आपके पास बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जो भी इमेज लेनी है, जिस भी इमेज का आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, आप यहाँ से क्या करेंगे, वो इमेज को कॉपी कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे इस वाली इमेज को लेते हैं। जैसे इस पर राइट क्लिक किया आपने और यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉपी इमेज। देन इसके बाद आप फोटोशॉप ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज लेंगे एंड एंटर। अब आपको यहाँ पे इमेज पेस्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। अब आप इसको कंट्रोल प्लस ए से और सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टॉक देंगे। स्टॉक क्या होती है कि इसकी जो आउटलाइन देनी है आप वहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ 10 रहने देते हैं, कलर इसका ब्लैक रहने देते हैं। कलर चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको और भी स्टॉक देनी, मतलब वाइट ब्लैक दोनों मिक्स देनी है, जैसे आपने एक तो वाइट ब्लैक दे दी, अब आपको एक और वाइट देनी है, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टॉक, और यहाँ से आपने 10 दी है अभी विड्थ, अब अपन इसकी हाफ कर देंगे, 5 कर देंगे, और यहाँ से अपन वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो उस टाइप की आपके पास स्टॉक आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत छोटे पतले टाइप के, क्योंकि अपन ने विड्थ बहुत कम सेलेक्ट की हुई थी। इसके बाद आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। अब आपको जितने भी एरिया में नाम लिखना है उतने एरिया में इस रेक्टेंगल को आप ड्रैग करेंगे, इस टाइप से आ गया। अगर आपको यहाँ पे कोई और सा कलर फिल आता है तो ये फिल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे आपको कुछ भी और कलर में आता तो इस कलर में आ रहा है, तो आपको करेंगे फिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जिस भी कलर में फिल करना है उसको आप वो कलर सेलेक्ट करेंगे। अपन यहाँ पे वाइट रहने देती है। इसके बाद आप टेक्स्ट टूल, ये है हॉरिजेंटल टाइप टूल, इस पर राइट क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे टाइप हो गया। तो अपन यहाँ पे टाइप कर दें, कुछ हमने यहाँ पे टाइप किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप तो हो रहा है, बट आपका कलर जो है वो उसी के कलर का जैसा हो रहा है, थोड़ा वाइट टाइप में। तो आप इसे बैक स्पेस से रिमूव कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको जिस भी कलर में टाइप करना है आप यहाँ से वो कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपने जो कलर सेलेक्ट किया होगा उस कलर में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन नाम लिखते हैं, अपन यहाँ पे नेम लिया। अब इस पर्सन का जो भी नाम होगा आप यहाँ पे वो नाम दे देंगे। ये हमने नाम दे दिया। इसके बाद एंटर की करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। डेट जैसे अपन जिस टाइम पे अपन फोटो निकलवाते हैं उसी टाइम के अपन डेट डलवा लेते हैं, तो अपन यहाँ पे डेट डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये डेट डाल दी हमने, तो आपका यहाँ पे आ गया। अब आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, इसको लेफ्ट में मतलब लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, या फिर उस उसका टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा बड़ा करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा आपको। तो अपन यहाँ पे इसका साइज जितना आपको रहना है रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इसका छोटा बड़ा करना चाहते हैं थोड़ा, तो आप वो भी कर सकते हैं जैसा आपको।
फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपन ने नाम दे दिया। अब अपन इसका पैटर्न बनाएंगे। तो पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे आप, एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइन पैटर्न, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो पैटर्न नाम पूछेगा। आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ पे वो नाम देके ओके करेंगे। आपने पैटर्न बना लिया, अब आप इस पिक्चर को क्लोज कर सकते हैं। अगर क्लोज नहीं करना तो इसे आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज लेंगे। आपको किस साइज के पेज में यहाँ पे जो आपने जो पैटर्न बनाया है वो शो कराना, आप यहाँ से वो साइज ले लेंगे जो भी आपको लेना रहेगा। जैसे अपन यहाँ पे फोटो ले लेते हैं, इसके बाद ओके करते हैं तो इस टाइप का पेज आ जाएगा आपके पास। अब आपने जो पैटर्न बनाया है उसको यहाँ पे लेकर आना है इस पेज पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेयर मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फिल लेयर पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है पैटर्न, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे आपके पास ये आ गया जो आपने पैटर्न बनाया था जिस इमेज का। देन इसके बाद यहाँ पे इसके इसको आप यहाँ पे कम करेंगे। जैसे आपने 50 किया तो 50 में थोड़े ज़्यादा आ गया यहाँ पे। और भी अगर जैसे आपने किया यहाँ पे 120 किया तो 120 में इतना आ रहा है। तो यहाँ से आपको जितना भी इसका स्केल रखना हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे, आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इमेजेस आपकी यहाँ पे ये कट रही हैं, तो अपन स्पेस का थोड़ा साइज इस टाइप कर लेते हैं। तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप कैसे करेंगे, क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये आ जाएगा और यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा इस टाइप से क्रॉप कर देते हैं, क्रॉप हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी आपकी इमेज। अब इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये इमेज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रॉप हो जाती है। इसके बाद आपको इसको सेव करना रहेगा इमेज को। तो सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव अस, सेव अस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, लोकेशन देनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जिस पीसी सेलेक्ट करते हैं, जिसे आप यहाँ पे जिस पीसी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसकी ड्राइव शो हो जाएंगी। आपको डी ड्राइव में सेव करना है, मतलब कि सी ड्राइव में नहीं करना। अगर आप पास सी ड्राइव है और उसके अलावा कुछ ड्राइव है तो आपको सी ड्राइव में डेटा सेव नहीं करना है, अदर जो ड्राइव है उनमें करना है। तो आप डी ड्राइव को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, यहाँ से फोल्डर्स बने हुए हैं। आपको इनके अंदर करना है तो इसके अंदर कर सकते हैं फोल्डर के अंदर, अगर नहीं करना तो अपन यहीं पर रहने देते हैं। इसको नाम देते देते अपन फोटो 1 2 3 नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट है, अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट फोटोशॉप ही रहने देंगे तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये फोटोशॉप में ही ओपन होगी। आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये फॉर्मेट्स आ रहा है। आपको जो भी फॉर्मेट लेना आप यहाँ से वो ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से JPEG लेते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं और ओके करते हैं तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इसके बाद अपन इसको मिनिमाइज करेंगे। आपने जिस लोकेशन पे इस इमेज को सेव किया है उस लोकेशन से आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। तो डिस पीसी को डबल क्लिक करेंगे आप डिस पीसी पर तो ये ओपन हो जाएगा। डी ड्राइव पर डबल क्लिक करेंगे, अब आपने जिस नाम से सेव किया था वो नाम यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे इस टाइप से आपकी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फोटोशॉप CS6 में न्यू इमेज बना सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।